नमस्कार, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक पे। मैं यानी प्रतीक भट्ट आज बताऊंगा शनि अमावस्या पर क्या है खास। दिन 4 मई, 4 अंक राहु का होता है, दिन शनिवार और अमावस्या, बहुत ही खास दिन। शनि अमावस्या पे आपको इसका महत्व समझना चाहिए, राशि वाइज उपाय जरूर कर लेनी चाहिए। देखिए, शनि भगवान श्रापित दोष से लेके कहीं ना कहीं कालसर्प तक, कई जगहों पे पितृ दोष तक, कहीं कई जगहों को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। और कलयुग में खास तौर से, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मों के देवता हैं, तो कलयुग में उनका एक अपना स्थान है जो कि काफ़ी सर्वोच्च स्थान माना गया है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। तो आज के दिन खास तौर से शनि अमावस्या के दिन की गई पूजा बहुत ही लाभकारी रहती है। अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या है स्वास्थ्य की, पितृदोष की, श्रापित दोष की, ग्रहण योग की, तो आपको जरूर से जरूर आज के दिन शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो महत्व तो आपने समझ लिया, आपकी कुंडली में शनि दोष हो, ग्रहण दोष हो, पितृदोष हो, काल सर्प होता नहीं है, लेकिन उसकी एक लॉजिक है जो मैंने एक टाइम पेस्ट्रो तक पे बताया था। तो इस तरह के कुछ भी योग, खराब योग बन रहे हो, तो आज के दिन पूजा बहुत लाभकारी होती है। शनि अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है, और दर्श मतलब आज के दिन को दर्श अमावस्या भी कहते हैं, जो कि शुभ मानी जाती है। तो शनि भगवान और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा बहुत लाभकारी मानी गई है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं राशि अनुसार उपाय। ये हो गया शनि अमावस्या का महत्व, अब समझ लीजिए राशि वाइज उपाय क्या होंगे। आपको 7 बार पीपल, मेष राशि वालों को 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए मीठा दूध चढ़ा देना है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों, सफेद गाय को 8 बूंदी के लड्डू खिलाना है और शनि देव का स्मरण करना है। ये छोटा सा उपाय आपको सारी समस्याओं से निजात दिलाएगा। मिथुन राशि वालों, काले रंग का सूरमा लीजिए, किसी भी सुनसान जगह पे जाके उसे गाड़ दीजिए, दबा दीजिए, आपकी कोई भी समस्या मन में है वो खत्म हो जाएगी। जिस समस्या को भी याद करके जा रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की, काले कुत्ते को, हाँ जी, काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी शनि अमावस्या के दिन खिला दीजिए, बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की, नाव से निकली हुई कील का छल्ला बनाकर पहन लीजिए अगले 144 दिन, लाभ मिलेगा, कोई समस्या है खत्म हो जाएगी। कन्या राशि वाले, 11 नारियल लीजिए और दान कर दीजिए 11 ब्राह्मणों को, आपको इस राशि के अनुसार आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब बबात कर लेते हैं तुला राशि वालों की, 8 टुकड़े लीजिए कोयला के और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, जो भी समस्या है तुला राशि वालों की खत्म हो जाए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, तांबे के कटोरे या कासे के कटोरे में सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा उसमें देखकर दान कर दीजिए, जो 7.5 का प्रभाव है वो भी खत्म होगा। शनि की धैया से जो लोग जूझ रहे हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, 800 ग्राम तिल लीजिए और दान कर दीजिए, तिल काला होना चाहिए और कोई गरीब को दान दीजिए, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मकर राशि वालों, सरसों का तेल या काले कपड़ों का दान बहुत शुभ रहेगा शनि अमावस्या के दिन, ये करिए और कहीं ना कहीं लाभ लीजिए। कुंभ राशि वालों, काले घोड़े की नाल लीजिए, अपनी दुकान या घर के बाहर टांग दीजिए, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों, नाव की कीले अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लीजिए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, शनि अमावस्या में कहीं ना कहीं इन छोटे से उपाय से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये था शनि अमावस्या पर छोटे छोटे उपायों से बड़े लाभ कैसे लें। तो आपने समझा, जाना, पहचाना, मत भूलिएगा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, औरों तक पहुँचाना। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का धन्यवाद।